अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, देखें ये तीन कंडीशन अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये वाली तीन कंडीशंस अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर उसमें ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ये रोल्स थ्योरम की जो है फॉर्मल डेफिनेशन है। वो तीन कंडीशंस क्या हैं कि आपका जो फंक्शन है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस हो, उसमें कोई जंप ना आए, ठीक है, और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, यानी एंड पॉइंट्स ए बी को छोड़कर उसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर हम उसका डेरिवेटिव ले सकें, किसी भी पॉइंट पर हम उसका डेरिवेटिव ले सकें, डिफरेंशिएबल हो। और तीसरी बात कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो, मतलब जो क्लोज इंटरवल में पॉइंट्स थे ए बी वहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो सेम हों, ठीक है। तब क्या होगा, एक ऐसा नंबर सी होगा उसी ओपन इंटरवल में, यानी उस इंटरवल में कम अज़ कम एटलीस्ट वन नंबर सी होगा जो इससे बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल इंटरवल से, जहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी। तीनों कंडीशन हम पहले सेटिस्फाई कराते हैं किसी फंक्शन की, फिर हम देखते हैं कि उसमें ये जो बात है उसका जो रिज़ल्ट है, कंक्लूजन है रोल्स थ्योरम का, वो प्रूव होता है कि नहीं होता। आप अगर आप एक्स वाई प्लेन लेते हैं और आप किसी क्लोज इंटरवल ए बी में एक फंक्शन ड्रा करते हैं, देखिए ये एक फंक्शन है, ये ए था और ये बी पॉइंट था। अब पहली कंडीशन क्या थी कि कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पे, यानी ए से लेकर बी तक ये जो जितने भी एक्स की वैल्यूज़ हैं सब पे आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूस हो। देखें यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कोई इसमें जंप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ये ए बी में क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। दूसरी बात क्या थी कि डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल, यानी एंड पॉइंट्स को छोड़कर, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, यानी एंड पॉइंट्स को छोड़कर अंदर वाले जितने पॉइंट्स हैं उन पर आप देखें डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब होता है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट गिरा सकते हैं, हर पॉइंट पर आप टेंजेंट गिरा सकते हैं, यानी आप उधर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जब टेंजेंट ड्रा हो सकता है तो मतलब उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पर लिया जा सकता है। दो बातें होंगी, फिर तीसरी बात क्या थी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपके इक्वल हों, ठीक है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी इस जगह पे, सपोज़ कर लें आपको कोई वैल्यू मिल रही थी जी, यहाँ पे 3 मिल रही थी। अब इस जगह पे देखें एफ ऑफ बी, फिर आपको वाई की क्या वैल्यू मिल रही है, देखिए फिर वही सेम वैल्यू मिल रही है, यानी आपका फंक्शन वाई की जो वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हुई थी ए से वहीं पर वाई की वैल्यू आपकी ख़त्म होगी, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं। तब क्या होगा, देखें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर एक ऐसा नंबर सी भी होगा इस ओपन इंटरवल में, यानी एंड पॉइंट्स को छोड़कर उनके अंदर एक ऐसा पॉइंट सी भी होगा जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। याद रखें जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वहाँ पर जो डेरिवेटिव एक्चुअली कहते हैं स्लोप को, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा यानी स्लोप टेंजेंट लाइन की क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब स्लोप टेंजेंट लाइन की ज़ीरो हो जाएगी तो ज़ीरो स्लोप जब होती है तो जितनी भी आपकी लाइंस होती हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इधर सी पॉइंट अगर आप लें इस जगह पे, तो इस जगह पे अगर आप डेरिवेटिव इस सी पॉइंट पे डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का तो वो ज़ीरो आएगा, यानी आपका जो यहाँ पे टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखें आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चौथा रिजल्ट आपका निकल रहा है, यानी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल देखें रोल्स थ्योरम की तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन था, ये आपके पास ए पॉइंट था, ये आपके पास बी पॉइंट था। देखें क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या है, पहली कंडीशन कंटिन्यूस है, फिर ओपन इंटरवल में आप जहाँ मर्जी लें इसका डेरिवेटिव आप हर जगह पे ले सकते हैं। और देखें एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू मिल रही थी फंक्शन की, वही बी पे वही फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, यानी वाई की वैल्यूज़ दोनों सेम है, यानी जहाँ से फंक्शन आपका स्टार्ट हुआ था वाई की वैल्यू पे उसी वाई की वैल्यू पे आपका फंक्शन एंड भी हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर क्या होगा, कम अज़ कम एक ऐसा सी पॉइंट होगा जहाँ पर आपकी जो स्लोप है टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो ज़ीरो होगी, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी
टेंजेंट की हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ये इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, ठीक है, किसी सी पॉइंट पे। डेरिवेटिव जब जीरो होता है तो आपको कौन सी लाइन मिलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, ठीक है। आप इसकी कोई एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसकी, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन में अगर आप एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन एक्स क्यूब का एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वहाँ पे लाइन आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो देखें इसमें पॉइंट ऐसा कोई है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो टेंजेंट की, इधर अगर आप ड्रा करते तो टेंजेंट ऐसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। इधर अगर आप ड्रा करेंगे तो ये इस पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे, इस जगह पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। डेरिवेटिव ज़ीरो होने से मुराद ये है कि आपकी जो टेंजेंट लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। देखें एक्स एक्सिस और ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ये सी वन था आपका, हमें क्या चाहिए था, एक एटलीस्ट वन नंबर, अब ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस पॉइंट पर भी देखें अगर आप, तो इधर भी आपको डेरिवेटिव ज़ीरो मिलेगा, यानी आपको जो टेंजेंट लाइन मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल मिलेगी। इस पॉइंट पर भी अगर आप देख लें तो इस पॉइंट पर भी, ये देखें ये सी टू पॉइंट था और ये सी थ्री पॉइंट था, इस पॉइंट पर भी आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन मिल रही है, यानी वहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है। तो ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी और इसके मुतलिक दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा।